अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टेटस स्ट्रिप को यूज़ करना सीख रहे हैं विजुअल बेसिक 2010 में या और विजुअल स्टूडियो 2010 में। विंडोज़ एप्लीकेशन खोले और उसके अंदर यहाँ पर स्टेटस स्ट्रिप के नाम से एक टूल है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। जब आप डबल क्लिक करेंगे आपके फॉर्म के एंड में ओपन करा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक टाइमर भी हम ले रहे हैं और एक बटन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका स्टेटस स्ट्रिप है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। इसमें हम चार चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हम चारों को यूज़ सीखेंगे। स्टेटस लेबल, प्रोग्रेस बार और ड्रॉप डाउन बटन और स्प्लिट बटन। तो ये चार चीज़ें अवेलेबल हैं, इन चारों चीज़ों का हमने बना लिया है। स्टेटस स्ट्रिप तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा सेलेक्ट होगी, आप नज़र आ रही हो। और जब आप इसमें चार हिस्से अलग अलग सेलेक्ट होंगे। जब मैंने इसको क्लिक किया तो टूल स्ट्रिप, इसका नाम है स्टेटस बार। इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएं तो यहाँ लिखा हुआ इसका नाम है स्टेटस स्ट्रिप और टूल स्ट्रिप स्टेटस लेबल, ये इसका नाम है इस लेबल का, प्रॉपर्टीज की आ रही हैं। तो हम हम यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने प्रोग्राम के स्टेटस को शो कराने के लिए टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि हम शो कराना चाह रहे हैं रेडी। ये हम इसलिए शो कराते हैं ताकि बाज़ दफ़ा हमारा प्रोग्राम कोई प्रोग्रेस कर रहा है, आप चाहते हैं कि इस प्रोग्रेस की इतला जो है आप अपने यूज़र को देते रहें तो आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोग्रेस बार है, इसको हम कोडिंग के ज़रिए यूज़ करेंगे। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये बिल्कुल सेम मेन्यू स्ट्रिप की तरह, बिल्कुल जैसे मेन्यू स्ट्रिप आप यूज़ करते तो ऊपर जो आती है बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपने मेन्यू स्ट्रिप वाली मूवी देखी है तो आप बिल्कुल इसको जानते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। फाइल, एरे, और जो भी आप बटन बनाना चाहें, हम इस बटन में कोडिंग नहीं करने जा रहे। इस तरह अगर आप इसके अंदर फाइल के अंदर कोई बटन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, इस तरह जितने बटन आप जहाँ जहाँ बनाना चाहें। स्प्लिट भी इस तरह सेम काम करता है, इसके अंदर भी आप बना सकते हैं, इसी तरह इसके ऊपर और बटन बना सकते हैं, इस साइड में हम बना सकते हैं। हम इन बटन पे हम कोडिंग करने नहीं जा रहे, वो आपको पता है जैसे आपने मेन्यू स्ट्रिप में पहले कोडिंग की थी बिल्कुल इसी तरह इसमें भी कोडिंग होती है। हम इस स्टेटस स्ट्रिप के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं रन टाइम पर, जब हमारे लेवल चेंज होता जाएगा प्रोग्राम का, और हम इस प्रोग्रेस बार में चेंजेस लाना चाह रहे हैं। और किसके जरिए हम लेना चाह रहे हैं, टाइमर के जरिए, जो हमने टाइमर इंक्लूड कराया था, वो टाइमर और स्टेटस स्ट्रिप दोनों आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अब हम बटन पे कोडिंग करेंगे और कोडिंग करने के बाद इसको प्ले करेंगे। जब आप प्ले करेंगे आप देखेंगे कि जैसे आप क्लिक करते हैं, एक सेकंड, अब देखिए हम प्रोग्राम रन किया, मैंने प्ले किया। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो स्टेटस लेवल भी चेंज हो गया और प्रोग्रेस बार की प्रोग्रेस भी चेंज हो रही है मुस्तकिल, ठीक है। इसके साथ साथ हमें वो बटन्स भी अवेलेबल हैं जो हमने बनाए थे, अगर हमने कहीं यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इन पर कोडिंग नहीं की हुई अभी, तो आप चाहें तो सिंपल जैसे इस बटन पे कोडिंग करते हैं, इस पर डबल क्लिक करके रन प्रोग्राम के अंदर हमने बटन बनाया, इस पर डबल क्लिक करके उसमें कोडिंग करेंगे, जो कोडिंग करेंगे वो रन होगी, जब क्लिक करेंगे रन टाइम पर। तो हमने स्टेटस बार का यूज़ सीख लिया। इसकी कोडिंग देखने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए akbens.webs.com, यदि हमें फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए। और अगर आप YouTube या किसी वेबसाइट पे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो का लिंक अवेलेबल है मेरी वेबसाइट का। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा जहाँ कोडिंग लिखी हुई है, वहाँ से आप कोडिंग कॉपी कर सकते हैं। शुक्रिया मेरी वीडियोज़ देखने का।